आइए आज हम लोग ग्रुप डी से संबंधित नंबर सीरीज को देखेंगे जो ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नंबर सीरीज का एक ऐसा पैटर्न हम लोग अभी चालू करेंगे जो आपको द बेसिक जो नॉलेज कहा जाता है, बेसिक ज्ञान जो कहा जाता है, वो बेसिक ज्ञान आपको इसके माध्यम से मिलेगा। और ये मैं श्योर दावे के साथ कह सकता हूं कि नंबर सीरीज से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप केवल पूरा फोकस बनाए रखिए, हर अलग अलग पैटर्न भी इसका काम होगा। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप देख रहे होंगे, इसका विकल्प भी दिख रहा होगा। अब ये सवाल ये उठता है कि ये 6 से 7, 7 से 11, 11 से 20 और 20 में फिर क्या कनेक्शन करेंगे ताकि मेरे जो चार ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6 है और ये 7 है, 6 7 में क्या अंतर देख पा रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 7 से 11 में क्या अंतर है? आप देख रहे होंगे 4 जोड़ दिया गया, 7 चले 11, बिल्कुल सही। अब 11 से 20 में क्या अंतर आपको लग रहा है? +9 पर लग रहा है। तो फिर यहां से जो कंडीशन अप्लाई होता है, 1 यानी 3 बढ़ा दिए, 4 में फिर 7 बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, तो फिर 7 बढ़ा दीजिए, यानी 9 और 7 कितना होगा? 16, +16 कर दीजिए इसमें, 20 और 16 कितना होगा? 36। तो हम चलेंगे 36 के साथ, यानी आपका यहाँ पे आंसर 36 हो जाएगा। फिर से एक बात समझिएगा क्या हो रहा कंडीशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ा गया, यहाँ 9 जोड़ा गया और यहाँ 16 जोड़ा गया। कैसे? तो 1 और 3 के बीच में देख लीजिए, 1 और 4 के बीच में 3, 4 और 9 के बीच में 5 और फिर 9 से 16 के बीच में 7। ये क्या है? आपका प्राइम नंबर का काम कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप इस तरीका से इसको दो तरीका से समझ सकते हैं। दो तरीका क्या है? 1 का अगर स्क्वायर कर देते हैं आप, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 आएगा, 1 जो है 6 में जोड़ दिए 7 हो गया। अब जो है 7 में ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हुआ, 4 जो है 7 में जोड़ दिए 11 हो गया। अब क्या कीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो अभी कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 11 में 9 जोड़ दिए 20 आ गया। अब 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हुआ, अभी 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 को 20 में जोड़ दीजिए, 20 जोड़ 4 चौका 16 कितना है? 36। देखिए आपका डी ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1, 2, 6, 24, 120 यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क्स है, ऑप्शन आपका 240, 720, 570, 360 है। आखिर क्या कौन सा ट्रिक्स है यहाँ पे? तो आप ऐसा कीजिए, इसके बीच का आप संबंध देखिए, 1 और 2 के बीच में आप देख लोगे 1 है, यानी गुना 1 कर देते हैं, गुना 1, फिर यहां से आगे में गुना 3 कर देते हैं, 3 × 6 हो जाएगा, 6 में फिर गुना 4 कर दीजिए, यानी 6 × 4 = 24, 24 में फिर 5 से 8 गुना कर दीजिए, जैसे 5 × 20 का 0, 5 × 10 2 × 120 हुआ। अब देखिए 1 का गुना हुआ, फिर 3 का गुना हुआ, फिर 4 का गुना हुआ, फिर 5 का गुना हुआ, और हम लोग क्या करेंगे या सीधे 120 में फिर हम लोग 6 का गुना कर देंगे, यानी 120 गुना 6 कितना हुआ? 12 × 6 = 72, 720। आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी आप देख रहे थे कि हम लोग नंबर सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये बिल्कुल आपका शुरुआती है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जहां तक आवश्यकता आपके लिए पड़ेगा वहां तक हम लोग इसका सीरीज आपके लिए लाएंगे। लेकिन आपको एकदम ग्रुप डी का जो तैयारी है जो अभी आने वाला कुछ दिनों में निकलने वाला है, हर एक कंपटीटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, काफी दिनों के बाद आ रहा है, पता नहीं भविष्य में इसके बाद कब आएगा कब नहीं, कोई नहीं जानता है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका उम्र निकलने वाला है। साथियों आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स जो है 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, 25 नंबर में आपका 3 नंबर कम से कम 3 से 4 नंबर सीट से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं नंबर सीरीज का। आप लोगों को एकदम धीरे धीरे ये नंबर सीरीज में इतना मजा आएगा कि आप देखते ही सब आंसर बताना शुरू कर दीजिएगा। जैसे अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 है, फिर 22 है, फिर 42 है, फिर 72 है। आप सबसे पहले इसका अंतर देखिए, अंतर में आप देख पा रहे हैं +10 है,
फिर यहां क्या है प्लस बीस है, फिर यहां क्या है प्लस बीस है। देखिए दस बीस तीस, तीस का सीरीज मतलब दस का सीरीज चल रहा था, तो अब क्या होगा तीस से तो प्लस चालीस कर दीजिए, यानी बहत्तर में आप चालीस जोड़िए, बहत्तर में चालीस जोड़िए कितना होगा 112। देखिए आपका 112 चौथा ऑप्शन में है, बिल्कुल मतलब आपको मैं पूर्ण विश्वास दिला दूं कि अगर नंबर सीरीज को आप रेगुलर दम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखें तो आने वाला कुछ समय में आपका नंबर सीरीज इतना इजी हो जाएगा कि आप सबसे पहले जब एग्जाम में बैठेगा और नंबर सीरीज दिखेगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है, किस विधि से निकालना है, क्योंकि आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन देखते ही साथ आप पकड़ लीजिएगा कि इसमें होता क्या है। जैसे कि अभी आप देखिए तीसरा नंबर में एकदम सिंपल दस का सीरीज में चल रहा था, अगर हम बात करें कि देखिए क्या कंडीशन अप्लाई तो है, छह है, बारह है, छत्तीस है, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा है उसमें क्या बोला है, छह बारह छत्तीस 144। अब तीसरा देखकर दस बीस तीस चालीस चालीस यानी दस का पैटर्न में काम कर गया, लेकिन आपको बताइए छह बारह छत्तीस 144 यहाँ कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है 400 से 700 के बीच में है, 420 520 620 720। अब सोच ही रहे होंगे कि जो अंक दिया गया 144 उसके बाद वाला जो नंबर खोजना है उसके बाद का जो नंबर दिया गया है काफी बड़ा है। अच्छा छोटा अंक को बड़ा अंक में आंसर में लाने के लिए एकदम दिमाग में चल रहा होगा मल्टीप्लाई करके कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर 6 से 12 किया होगा मान लीजिए गुना 2 हुआ होगा, फिर इसको कर देते हैं गुना 3 हुआ होगा, फिर इसको कर देते हैं कितना हुआ होगा, अगर मान लिया जाए 36 को हम लोग अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 6 9 9 7 ज्यादा हो जाएगा, फिर आप कर दीजिए 36 को 144 लाने के लिए गुना कर देंगे, यहाँ 2 का हो गया 3 का हो गया 6 5 30 4 से करते हैं गुना 36 को, 36 को 4 से गुना कर देते हैं 24 का 4 हाथ में 2 4 12 2 6 144 हो गया, अगर गुना 4 कर दिया तो 144 हो गया। अब देख पा रहे हो 2 3 4 तो अभी इसको क्या किया जाए, तो 2 3 4 आप कुछ मत कीजिए, नेक्स्ट अंक जो आपको दिया गया लास्ट यानी 144 दिया गया है 144 में चार तक गुना करके ऑलरेडी लाया था तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कीजिए 5 6 20 का सुनना हाथ में 2, फिर 5 6 20 का 2 22 22 का 2, फिर 5 5 2 7 देख पा रहे होंगे 720 जो आपका पहला ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन में हो गया। अभी आपको एक बात हम बता देते हैं कि जब आपका प्रश्न रहता है ना तो प्रश्न को देखते जाइए वो धीरे धीरे क्या हुआ बड़े की ओर जा रहा है, और जब ऑप्शन भी मिला तो वो भी एकदम बड़ा बड़ा है, तो जब अंक धीरे धीरे अपने आप डबल होने लगे ट्रिपल का रूप में आ जाए तो या तो आप गुना कर सकते हैं नहीं तो फिर आप क्यूब कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, तो दिमाग में एकदम बिठा लीजिए फिट कीजिए, जैसा देखिएगा आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा, तो वो गुना करना चाहिए इसमें बनाने के लिए। अब इसको बड़ी सरलता और सहज रूप से आप जान रखेंगे। चलिए हम लोग अब इसका अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नंबर सीरीज का पांचवा और छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा था, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तीसरा में और ज्यादा आपका बढ़ा, चौथा में आपको लगा कि आप हम भी कर देंगे, और हमको तो लग रहा है ना पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा आप क्या देख पा रहे हैं, देखे थे यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं कि 13 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो ये चीज को आप समझना होगा, और जब इस तरह का कंडीशन हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। आप गड़बड़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप गड़बड़ से बचने के लिए कर सकते हैं कि जैसे देखिए 13 17 कैसे हुआ प्लस 4 हो गया, 17 से 15 के लिए आपका किए माइनस 2 किए, जाके फिर प्लस 4 कर दिए 15 में 4 कर दीजिए, और फिर 19 में आप देख रहे होंगे कि माइनस 2 कर दिए, 19 में 2 किया तो 17 आ गया, तो आप क्या देखिए प्लस 4 हुआ फिर माइनस 2 हुआ फिर प्लस 4 हुआ फिर माइनस 2 हुआ, तो इस बार जो होगा प्लस 4 होगा, यानी 17 में 4 को जोड़ दिया, 17 जोड़ 4 क्या होगा 21 होगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन सी जो है वो 21 है, बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। कंडीशन क्या अप्लाई हुआ था, पहला में प्लस 4 दूसरा में माइनस 2 फिर प्लस 4 फिर माइनस 2 और फिर लास्ट में प्लस 4 हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की। अच्छा छठा प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, छठा प्रश्न है क्या,
छठा प्रश्न बोलता है कि 7, 9, 12, 17, 24, 35। अब देख पा रहे हो कि एकदम बढ़ते हुए कंडीशन में, आपका ऑप्शन क्या है 52, 45, 47, 48। अच्छा ऑप्शन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि आप कंडीशन को पकड़ पा रहे हैं, ये जो सीरीज जो चल रहा है वो सीरीज क्या करता है, अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। चलिए फिर से वही काम करते हैं, ये सीरीज क्या करता है, 7 यानी 2 जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 3, फिर इसको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 5, फिर इसको जोड़ दीजिए 7, फिर इसको जोड़ दीजिए 11। अब आपको यहां पे बताना है यहां क्या है। अच्छा आप देख रहे हो सौ में तो प्लस चार था माइनस दो था, बड़ा इजी से बढ़ता है। अब आप यहां क्या देख पा रहे हैं, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11। आपके मन में दम अब शंका चल रहा होगा, या तो एक कुछ ऐसे भी इसमें कंपटीटर होंगे जो इसको पकड़ चुके होंगे वो क्या रहा है, लेकिन जो लोग नहीं पकड़ पा रहे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं खास करके ये बात बता दूं कि 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है, 11 क्या है, ये सारा एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा डिजिट आया हुआ है आपके पास बीच में जो आपको बता रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि वो अभाज्य संख्या है, यानी ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था अभाज्य का पैटर्न पर काम कर रहा, क्या अभाज्य। अच्छा अभाज्य 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 है क्या, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं हो सकता, 11 होगा, 11 के बाद सीधे 13 हो जाएगा, 13 के बाद फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर 17 होगा। अब देख पा रहे हो 2, 3, 5, देखिए 2, 3, 5, फिर 7, 7, फिर 11, 11, अगला मेरा आवाज संख्या 13 है, तो हम लोग क्या करेंगे 35 में, यानी जो मेरा लास्ट अंक है 35, उसमें अगला अभाज्य क्या होगा 13, क्योंकि 11 आ चुका है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 48 होगा। आप देख पा रहे हैं डी में ऑप्शन आपका 48 है। ये सीरीज को देखने से आपको समझ आ रहा होगा कि हर क्वेश्चन जो है अलग अलग सीरीजों पर काम करता है, अलग अलग तरीके पर काम करता है, ये तरीका क्या है इसको समझने के लिए क्या करना होगा आपको, सबके बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, या कह सकते हैं कि 13 को क्या किया जाए तो 17 होगा, 17 को क्या किया जाए तो 15 होगा, 15 को क्या किया जाए तो 19 होगा, तो पहला राउंड तो समझ ही नहीं, इसको ऐड किया गया था। उसी प्रकार सब देख रहे, लास्ट का क्वेश्चन जो आपका है वो क्या था, 7 था, 7 के बाद 9 हुआ था, 9 के बाद 12, यानी यहां तो स्पष्ट पता चल रहा था कि आपका हर बार जो है बढ़ रहा, लेकिन बढ़ रहा तो क्या बढ़ रहा, देखिए 2 बढ़ा, 2 के बाद 1 बढ़ा दी, 3, 3 के बाद अचानक से 2 बढ़ गया, 5, 5 के बाद फिर 2 बढ़ा था, 7, 7 के बाद फिर अचानक से 4 बढ़ा, मतलब ये क्या लॉजिक था, ये लॉजिक कुछ नहीं था, बस आपसे ये जानना चाहता कि आपको अभाज्य संख्या का ज्ञान कितना है, आप अभाज्य संख्या में कितना जानते हैं, अगर अभाज्य संख्या को आप पकड़ पा रहे थे तो बिल्कुल आप ये आसान था। ऐसे ही ये सारा नंबर सीरीज का जो प्रश्न था उसको सॉल्व किया गया है, इसके बावजूद बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया गया, लगता है आपको कि किसी प्रकार का कुछ कमी रह गया हो या कुछ आपका कॉजेज हो, कारण हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्या को लिखें, उन समस्याओं को देखते हुए हम लोग जो है उसका समाधान निकालेंगे और आपका पार्ट 2 का जो है वीडियो बहुत ही जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। ये स्पेशली आपको ग्रुप डी आरपीए और जो आपका राज्य लेवल का जो सिपाही का भर्ती होता है उसके लिए। चलिए हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे।